बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 3। द नेम ऑफ द यूनिट इज़ रॉबिन्सन क्रूसो। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स टू नो, ट्रेड हुनर या पेशा, शिपरेक जहाज के हादसे का शिकार, वेट सफ़र, टॉर्नेडो बगोला, हॉल होंकना, सेल बादबान, वाश पानी में बह जाना, लीक रसना या भरना, कोर्स रास्ता, हरिकन तूफान, क्लैम्बर घसना या घिसना, रो चप्पू चलाना, माइट कुवत या जोर, गिगलिंटिक बड़ी बहुत बड़ी, हर जोर से फेंकना, बैटल लड़ना जदोजहद करना, स्टॉर्मी तूफानी, एग्जॉस्टेड थकन से चूर, क्रॉल रींगना, प्लंग गोता लगाना, मस्ट मस्तौल, सी मैन मल्ला, पायल ढेर लगाना, ड्राफ्ट छोटी कश्ती, कॉस्ट ऑफ कश्ती खोलना, वेसल बड़ी कश्ती, टॉयल मुशक्कत करना, अमिनेशन गोला बारूद, डिज़ायर चाना, बोर डाउन मूसलाधार बरसना, सिंक डूबना, स्टॉकेट बाढ़ या मोर्चा, एक्सप्लोर सिहत करना, डिलाइटफुल खुशकुन, क्वांटिटी मकदार, टिम्बर लकड़ी, ड्यूरेबल पायदार। लेट्स मूव टुवर्ड्स रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द राइटर, Robinson Crusoe is the name of a book by Daniel Defoe. Daniel Defoe की एक किताब है जिसका नाम Robinson Crusoe है, जो हमारे यूनिट का नेम भी है। Daniel Defoe was born in 1660 के Daniel Defoe 1660 में पैदा हुआ। His father was a butcher, उसका जो बाप था वो एक कसाब था। एंड डेनियल डिफो वर्कड एट अ नंबर ऑफ़ ट्रेड्स बिफोर ही स्टार्टेड टू राइट, मतलब ये कि लिखने से पहले वो बहुत ज़्यादा उसने काम किए, मुख्तलिफ किस्म के उसने काम किए। एट द एज ऑफ 40 की या 40 साल की उम्र तक ही रोट पोइम्स एंड ओकेजनली रोट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। उसने क्या किया कि वो नज़में भी लिखता था और फिर कई मौक़ों पर वो हुकूमत पर तनकीद भी करता था। सम टाइम ही वाज सेंट टू प्रिजन, और अक्सर अवकात उसको जो है वो जेल भी भेजा गया या कई बार वो जेल भी रहा। व्हेन ही वाज नियरली 60, या वो तकरीबन 60 साल का था या 60 साल के करीब था, ही राइट द स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, तो उसने रॉबिन्सन क्रूसो के नाम से एक कहानी लिखी। इट वाज अ ग्रेट सक्सेस, और ये उसकी बड़ी कामयाबी थी, एंड हैज़ बीन पॉपुलर विद चिल्ड्रन एवर सिंस, और ये तब से अब तक बच्चों में बहुत ज़्यादा मकबूल है। इट इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नावल, और ये पहला बहुत अजीम जो है इंग्लिश नावल था। In this short piece from the book, Robinson Crusoe tells us how he became shipwrecked. और इस छोटे से जो है किताब के हिस्से से वो हमें ये बताता है कि किस तरह से जो है उसका जो जहाज़ के हादसे का वो शिकार हुआ। So let's move towards the story. We started off on our voyage in good weather. हमने अपने सफ़र का आगाज़ अच्छे मौसम में किया। आल्दो इट वाज वेरी हॉट, ताहम तकरीबन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आफ्टर अबाउट 12 डेज, तकरीबन 12 दिन के बाद, हाउएवर अ वायलेंट टॉर्नेडो केम फ्रॉम द नॉर्थ, शुमाल से एक ज़बरदस्त बगोला आया। द वेव्स रोज हाई, जो लहरें थी वो बुलंद हुई। द स्काइज वर ब्लैक, और जो आसमान था वो काला हो गया। एंड द विंड होल्ड थ्रू द सेल्स, और हवाएं जो थी वो होंकती हुई बादबानों में से गुजरने लगी। टू मेंबर्स ऑफ द क्र्यू वर वॉश्ड ओवरबोर्ड,
कि अमले के दो रुकन बहकर जहाज से गिर गए एंड आफ्टर अ डे आर टू द शिप बिगेन टू लीक, और एक या दो दिन के बाद जहाज़ में पानी भरना शुरू हो गया या वो लीक हो गया। वी चेंज आवर कोर्स, हमने अपना रास्ता तब्दील किया एंड सेल्ड आउट ऑफ द हरिकन, और तूफान में से निकल गए। बट द नेक्स्ट डे सेकेंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक्ड अस, लेकिन अगले दिन एक और खौफनाक समंदरी तूफान ने हम पर हमला किया या आ गया। वी कुड सी द शोर ऑफ सम अननोन लैंड, हम देख सकते थे किसी अनजानी ज़मीन का साहिल। बट द सी वॉज वेरी रफ, लेकिन समंदर बेहद बिखरा हुआ था। द रेन डैश्ड डाउन, हवा बरस रही थी, सॉरी बारिश बरस रही थी। एंड वर अफ्रेड टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड, और हम ज़मीन के करीब होने से खौफ ज़दा थे।